हे गाइस, मेरा नाम आकाश सिंह है और आप लोगों का फिर से स्वागत है ये 3 ब्रदर्स में। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से कोई एक वीडियो निकाली नहीं। मैं थोड़ी छुट्टी लेके बैठा था क्योंकि मेरा भाई भी आ रखा था कॉलेज से, वो बाहर कॉलेज पढ़ता है, और मेरे घर में थोड़ा काम भी था तो इसलिए मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया। बट आज मैं काफ़ी अच्छी टेक न्यूज़ लाया हूँ आप लोगों के लिए और मैं होप करूँगा आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है वन प्लस की साइड से। वन प्लस की दिवाली डैश सेल होने वाली है जो कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। 2 दिन की सेल होने वाली है, 24 से 26 तक। इसके अंदर 3 सेशन की सेल होगी, 12 बजे दोपहर के, फिर 4 बजे, फिर 8 बजे। इसमें क्या होने वाला है कि आप इसके अंदर एक मिस्ट्री बॉक्स होता है जिसको आप खरीद सकते हैं 1 रुपये में। इस मिस्ट्री बॉक्स में आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि जो भी एक्सेसरीज हो गई या इवन वन प्लस 3 भी आपको इसके अंदर मिल सकता है। ये आपके लक के ऊपर होता है। आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको वन प्लस की वेबसाइट पे जाके अपनी ईमेल रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करना है, फिर आपको शिपमेंट एड्रेस देना है, और इस जो ये जो इवेंट होने वाला है इसको आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना पड़ेगा। उसी के बाद आपको एंट्रेंस टिकट मिलेगा वन प्लस की साइड से, जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इवेंट में और परचेस कर सकते हैं मिस्ट्री बॉक्स को ड्यूरिंग सेल। और इसमें पार्टिसिपेट करने का ये क्राइटेरिया है कि 12 बजे जब वो सेल स्टार्ट होगी तो वो एक लकी ड्रॉ निकालेंगे वन प्लस वाले। उसके अंदर आप कितनी बार भी ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब तक आपका एक बॉक्स नहीं मिल जाता। अगर आपको एक बॉक्स मिलता है तो वहीं पे आपका वो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। आप उस बॉक्स को परचेस कर सकते हैं, फिर जो भी उसमें निकलेगा वो आपका। बट अगर अगर आप बॉक्स ले लेते हैं खरीद, अगर आपका बॉक्स निकल गया बट आपने परचेज नहीं करा, तो 3 आवर में वो बॉक्स एक्सपायर हो जाएगा। और इसकी कोई वो लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर बॉक्स के बाद बॉक्स एक ही बार आप परचेज कर सकते हैं। और ये एक लकी ड्रॉ के हिसाब से होगा, तो आपके पास वो बॉक्स निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता 3 दिन। तो ये आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरी साइड से तो बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसके अंदर। मैं भी ट्राई करूंगा, अगर मेरे को हुआ तो मेरे देखते हैं क्या निकलता है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो आ रही है शाओमी की साइड से। शाओमी का MI Note 2 काफ़ी दिनों से ही रूमर पे रहा है, उसकी काफ़ी लीक्स आती जानी है, बट कंपनी ने फाइनली इसके रिवील कर दिया है कि ये कब लॉन्च होने वाला है। और इसकी लॉन्च डेट जो आ रही है वो 25 अक्टूबर आ रही है, और जो आ रही है वीवो की साइड से। और इसकी जो इमेज लीक हुई है उसको देख के लगता है कि इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी कम बेजल देखने के लिए मिलेंगे, आप इमेज पे देख सकते हैं। इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन अभी तक लीक हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़ोन शायद से आपको 5.7 इंच डिस्प्ले के साथ मिल सकता है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 821 देखने के लिए मिल सकता है 6 GB रैम के साथ, और 16 MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल सकता है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो आ रही है ब्लैकबेरी की साइड से। ब्लैकबेरी का एक स्मार्टफोन लीक हुआ है, स्पॉट हुआ है गीक बेंच पे, और जो मॉडल नेम आ रहा है वो है BBB1001। इस फोन को माना जा रहा है कि ये ब्लैकबेरी मर्करी होने वाला है। और जो स्पेसिफिकेशन इसकी लीक में आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है 2.02 GHz की स्पीड पे, 3 GB रैम इसके अंदर आपको मिल सकती है, और एंड्रॉयड नोगेट पे ये फ़ोन आपको मिलेगा। इसका जो सिंगल कोर स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 913 पॉइंट्स, और जो इसका मल्टी कोर स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 5047 पॉइंट्स। इस साल की स्टार्टिंग में ही वेंचर बीट ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्लैकबेरी तीन स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, जिसमें से एक फ़ोन मर्करी है, और उसके अंदर आपको क्वालिटी कीबोर्ड भी देखने के लिए मिल सकता है जो कि जनवरी 2017 में लॉन्च होगा। और इस फोन की इस रिपोर्ट के हिसाब से इस फोन के अंदर आपको 4.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकती है, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 625 GPU CPU के साथ मिलेगी। 3 GB रैम आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है, और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, और ये फोन आपको 3400 mAh बैटरी के साथ मिल सकता है। और कैमरे की बात करें तो आपको रियर कैमरा 18 MP का और फ्रंट फेसिंग कैमरा 8 MP का इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। कुछ दिन पहले ही ब्लैकबेरी ने अनाउंसमेंट करी थी कि वो अब ज़्यादातर कंसंट्रेट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी डेवलपमेंट में, ना कि हार्डवेयर डेवलपमेंट में, और हार्डवेयर के लिए वो अब बाहर कंपनी से, दूसरी कंपनी से डील करेंगे। अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो आ रही है शाओमी की साइड से। शाओमी की एक वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर शाओमी की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, अगर ये चीज़ उन्होंने अचीव कर लिया तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है शाओमी के लिए, और काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है जिसको मैं ये देखना चाहूँगा, पसंद करूँगा। कि इस वीडियो के अंदर दिख रहा है कि एक बंदा एक फ़ोन को यूज़ कर रहा है जो कि बेंडेबल फ़ोन है। आप इमेज पे देख सकते हैं कि ये फ़ोन बेंड हो रखा है बोथ साइड से, और एक यूज़र इस फ़ोन को यूज़ कर रहा है इस वीडियो में, जो कि इसको ऊपर से स्लाइड कर रहा है, साइड लेफ्ट एंड राइट भी स्लाइड कर रहा है, जो बिल्कुल यूजेबल फ़ोन है इसको ढंग से ऑपरेट कर रहा है। इवन इस वीडियो के अंदर आप लोग सर्च मार सकते हैं कि इसके अंदर जो बंदा है वो यूज़र है, वो इसके अंदर एक गेम भी प्ले करता है और अच्छे से नेविगेट करके देखता है।
तो ये एक वीडियो है, लीक वीडियो। अब ये पता नहीं कि ये कितनी सच है कितनी झूठ है, बट अगर शाओमी ने ऐसा अचीव कर लिया है, शाओमी ने कुछ ऐसा बना लिया है फ़ोन, बैंडेबल फ़ोन, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी और काफ़ी अच्छी चीज़ भी होगी इन फ्यूचर देखने के लिए। और जब ऐसी कंपनीज ऐसी बड़ी चीज़ें करें जो कि और कंपनीज नहीं कर रही, क्योंकि ये न्यूज़ कोई न्यू नहीं है, हमने बहुत कंपनीज के साइड से देखा है। जैसे कि सबसे पहले ये नोकिया के टाइम पे 2008 में ये न्यूज़ आई थी, फिर उसके बाद सोनी सैमसंग, हमने ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार देखा है। बट अब शाओमी का भी इसमें नाम आ रहा है और ये देखते हैं कि कब तक ये ऑन ग्राउंड अवेलेबल होगा ये सब चीज़। तो बट इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो आ रही है शाओमी की साइड से। शाओमी की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है एम आई नोट 2 को लेके और बेंडेबल डिस्प्ले को लेके, बट इसी न्यूज़ के बीच में एक नई लीक शाओमी की साइड से आ रहे हैं, शाओमी के एक न्यू फ़ोन के रिलेटेड, जो कि है शाओमी मैरी। ये डिवाइस की जो रिसेंट लीक्स आई है वो आ रही हैं गीक बेंच की साइड से, और कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई है कि इसके अंदर आपको 1.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने के मिल सकता है 3 GB RAM के साथ, और इसकी कुछ सिंगल कोर और मल्टी कोर की बेंचमार्क भी लीक हुई है, जिसके अंदर आपको सिंगल कोर पॉइंट्स मिलते हैं 758 और मल्टी कोर 3043 पॉइंट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। और वीवो की साइड से भी कुछ इमेजेस लीक्स हुई हैं, जिसके अंदर आपको फ़ोन इमेज भी दिखती है और कुछ एंथोथी बेंचमार्क स्कोर भी दिखता है। एंथोथी बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हैं इमेज में, कि इसके अंदर दिखा रहा है कि ये 63,581 पॉइंट्स हैं, जिससे पता चलता है कि ये फ़ोन कोई बजट सेगमेंट का फ़ोन होने वाला है। और इसकी इमेज देख के लगता है कि इसके अंदर 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है, फुल एचडी डिस्प्ले, और जीपीयू इसके अंदर माली T864 मिल सकता है, और रूमर के हिसाब से इसके अंदर आपको 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, और एक्सपेक्टेड है कि ये फ़ोन इस मंथ की एंड तक लॉन्च हो सकता है। तो अब देखते हैं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं जो आ रही है कॉलकम की साइड से। कॉलकम ने अपने 3 न्यू चिपसेट लॉन्च करे हैं, स्नैपड्रैगन 653, 626 और 427, जो कि अपने प्रीवियस वर्जन 652, 625 और 425 प्रोसेसर से अपग्रेडेड वर्जन है, और इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जो मेजर डिफरेंस ये है कि तीनों में इनके प्रीवियस वर्जन से जो स्पीड थी उसकी क्लॉक स्पीड इंक्रीज करी गई है, और जो इसके जो स्टार्टिंग के दो स्नैपड्रैगन 653 और 626 हैं, ये प्रोसेसर, ये चिपसेट आपको इस ईयर की एंड तक देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो स्नैपड्रैगन 427 है वो आपको नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में किसी फ़ोन में यूज़ होते तो दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। और अगर आपके पास कोई और सजेशन है इस चैनल को लेके और कुछ वीडियोज़ को लेके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो सजेशन आप बता सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।